हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डे 8 में और आज हम लोग देखेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे लास्ट क्लास में फॉर्मल में हम लोग देखा था 5 टाइप्स के होते हैं, जो लाइन था, स्टाफ लाइन, ऑर्गेनाइजेशन था, प्रोजेक्ट था, मैट्रिक्स और फंक्शनल। सो आज हम लोग देखेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट डेफिनेशन है, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स, ईच बेयरिंग अ डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हर एक लोगों का एक एक जॉब डिफाइंड रहता है कि किसका क्या अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो लोग अकाउंटेबल भी होते हैं। दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय लुईस एलन। अब हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट रिफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज़ डिज़ाइन बाय द मैनेजमेंट टू अकॉम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। ये मैनेजमेंट बनाता है टास्क को पूरा करने के लिए। सेकेंड है, ये बाउंड्रीज बताता है कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जैसे हम लोग देखे थे अकाउंटेबिलिटी भी होता है। थर्ड पॉइंट है, ये सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंट करता है अमॉन्ग वेरियस एक्टिविटीज। नेक्स्ट हम लोग फंक्शंस देखेंगे। फंक्शन क्या है, इट स्पेसिफाइज क्लियर रोल ऑफ डिफरेंट पोजिशंस। ये लोग बताता है किसको कौन रिपोर्ट करेगा, किसका क्या पोजिशंस है, ये सब। सेकेंड है, इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। थर्ड है, इट लेस डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर। इसका एक सर्टेन रूल्स और प्रोसीजर रहता है। और लास्ट है, ये कोऑर्डिनेशन और स्मूथ फंक्शनिंग प्रमोट करता है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट को ऑर्डर देते हैं, देन मिडिल मैनेजमेंट कम्युनिकेट्स विद द लास्ट लेवल, दैट इज लोअर मैनेजमेंट। ऐसे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये सारे अच्छे पॉइंट्स थे। अब हम लोग लिमिटेशंस भी देख लेंगे। सो फर्स्ट लिमिटेशन है, That it leads to procedural delays. अगर कुछ भी हमें फाइनलाइज करना है तो वो एक एक स्टेजेस पे जाएगा, जिसके कारण ये डिले हो जाता है। देन पुअर ऑर्गेनाइजेशन में निगलेक्ट टैलेंट्स। कुछ भी किसी के पास टैलेंट होगा, वो क्रिएटिव होगा या आइडियाज़ बताएगा, तो अगर मैनेजमेंट सही से नहीं होगा तो वो लोग उसके आइडियाज़ को नहीं लेंगे। ये सब क्यों होता है, रिजिड पॉलिसीज़ की वजह से। और लास्ट, इट इग्नोर्स ह्यूमन रिलेशनशिप एज इट फोकसेस ऑन वर्क एंड स्ट्रक्चर। तो ये सारे लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्रीगेट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस, बट विच में कॉन्ट्रीब्यूट टू जॉइंट रिजल्ट। ये होता है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से, जो हम लोग कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के ऐसी सोशल रिलेशनशिप बना लेते हैं, उससे ये अराइज होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग ये डेफिनेशन था, इसके बारे में और देख लेते हैं। सो जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इट अराइजेस ड्यू टू ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप। सेकेंड है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही इमर्ज होता है। थर्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप एंड इंट्रैक्शन, जो कि हम लोग सेम ग्रुप बना लेते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में अगर संडे को क्रिकेट मैच होता है तो वो लोग एक टीम बन जाती, या फिर कुछ लोग घूमने जा रहे हैं, वो लोग एक टीम बन जाती। तो ऐसे सिमिलर इंटरेस्ट से लोग ग्रुप बना लेते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही। और फोर्थ पॉइंट है, इट हैज नो रूल्स एंड अ फ्लेक्सिबल। लोग अपने मन से जो करना है दे कैन डू इट। सो हम लोग अब फंक्शंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखें। फर्स्ट, इट मेंटेन्स ह्यूमन वैल्यूज एंड कल्चर। तो काम के साथ साथ ये लोग ह्यूमन वैल्यूज और कल्चर पे भी फोकस करते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, सोशल सेटिस्फैक्शन, कि हम वो भी काम कर रहे हैं, फ्रेंडशिप है, दे नो ईच अदर, दे नो देयर मेम्बर्स। ऐसे उन्हें सोशल सेटिस्फैक्शन, रिकॉग्निशन, वो लोग की नीड फुलफिल होती है।
और थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में है, कोई भी लोग वो बिना बात किए नहीं रह सकते, वी नीड समवन टू टॉक, तो ये भी एक मीन्स है कम्युनिकेशन का। कौन सा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका भी बहुत सारे लिमिटेशंस है। फर्स्ट लिमिटेशन, इट इज़ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ह्यूमन रिलेशन। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, एक हायरार्कियल फ्लो में होता है टॉप टू बॉटम, बट एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है इनफॉर्मल, जो हम लोग ह्यूमन रिलेशन को समझ नहीं सकते। सेकेंड, इट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, मैनेजमेंट में भी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोजेस। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी चेंजेस लाना है, बट अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप के लोग हैं उन्हें वो पसंद नहीं, वो लोग अपोज करेंगे, तो कंपनी को चेंजेस लाने में दिक्कत होगा। और फोर्थ, इट प्रेशराइज मेंबर टू कन्फॉर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशन। जो भी ग्रुप एक्सपेक्टेशन ये प्रेशराइज करते हुए अदर मेंबर्स को भी कि वो उन्हें ज्वाइन करें। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन वन, अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइजेस स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू इंटरैक्शन एट वर्क इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन टू, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर गिविंग राइज टू रूमर्स। रूमर क्या होता है? कोई भी किसी के बारे में अफवाह फैलाना, एक इसमें होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो आंसर इज डी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो थैंक यू, दैट्स ऑल। Have a nice day.